भरूच जिला वहीवटी तंत्र द्वारा गरीब परिवार की एक लड़की को MBBS की पढ़ाई के लिए 4 लाख की धनराशि का चेक अर्पित किया गया। तबीबी क्षेत्र में आगे पढ़ाई के लिए इच्छुक वैसी प्रधानमंत्री की अनोखी पहल के साथ गरीब परिवार की लड़की को MBBS की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि का चेक भरूच वहीवटी तंत्र द्वारा अर्पित किया गया, जिसमें धरा स्थित रहते वैसे प्रज्ञा चक्षु अयुब भाई की लड़की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें काफी भावनात्मक माहौल बना था। इसमें से 12 मई 2022 को भरूच स्थित प्रधानमंत्री की विचल उपस्थिति में मुख्यमंत्री गुजरात तथा उत्कर्ष पहल के तहत लाभान्वित हो चुके वैसे लाभार्थियों की उपस्थिति में उत्कर्ष समारोह का आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया था। ऐसे में प्रज्ञा चक्षु अयुब इब्राहिम पटेल, जो 51 वर्षीय है, कुछ हफ्तों पहले वे गल्फ देश में व्यवसाय के लिए गए थे। दौरान दवाई की असर के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जहां उन्हें संतान में 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां पढ़ाई में अच्छी है। ऐसे में गरीब परिवार की लड़की को राइट टू एजुकेशन के तहत कक्षा 1 में एडमिशन मिलने के बाद अब आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत होने पर भरूच वहीवटी तंत्र द्वारा MBBS की पढ़ाई के लिए गरीब परिवार की लड़की को ये धनराशि का चेक अर्पित किया गया था। तो इन बेटियों ने क्या सोचा है, क्या पढ़ करके क्या करना चाहती है? ये बड़ी लड़की का अभी रिजल्ट आया है, अभी 10 बजे वो 80% आया है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ जी। है क्या वहाँ आपके साथ बैठी? हाँ, है क्या साथ में? आप हमारे साथ में बैठी है। कौन है बताओ बेटा, क्या नाम है? आप उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है। क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा बताइए, डॉक्टर बनने का मन विचार आया? प्रॉब्लम को देखकर वो थोड़ा भावुक हो गए, तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। मेरा नाम पटेल आलिया अयुब है। तारीख 12/5/2022 को भरूच में उत्कर्ष समारोह हुआ था। उसमें मेरे पापा ने माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वर्चुअल बात की थी। उस समारोह में मैंने भी माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वर्चुअल बात की थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या कर रही हो, तो मैंने उनके सामने अपने डॉक्टर बनने का सपना की रजूआत की थी। तो उन्होंने कहा था कि आपको डॉक्टर बनने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे एडमिशन के 2 महीने पहले उनको पत्र लिखा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भरूच जिले के कलेक्टर सर ने मेरे को 4 लाख स्कॉलरशिप दी है। तो उसके लिए मैं उनका खूब खूब धन्यवाद अदा करती हूँ, और माननीय श्री वडाप्रधान नरेंद्र मोदी का भी खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गत वर्षे भरूच में उत्कर्ष समारोह नु आयोजन थयेलू, जेनी अंदर भरूच जिला विडोज पेन्शन स्कीम छे, ओल्ड एज पेन्शन स्कीम छे, मां सेचुरेशन कर्यु, जेनु सेलिब्रेशन थयेलु। अने अमारा आमंत्रण ने मान आपीने माननीय प्राइम मिनिस्टर सर पण वर्चुअली जोड़ायेला, त्यारे माननीय पीएम सर साथे संवाद करता समय एक दीकरी खूब भावुक थयेली, अने पीएम सर पोते भावुक थयेला के एक दीकरी पोताना फाधरना संघर्ष ने जोईने डॉक्टर बनवा मांगे छे। ए दीकरीए डॉक्टर माटे MBBS मां एडमिशन लीधुं, એને શિષ્યવૃત્તિ પણ મળી, એને ફીસ ભરી, અને એને ફાઇનાન્શિયલી હવે જે ફીસમાં જે ઘટતું હતું એ માટે બહેનની રજૂઆત હતી, અને અમારા સ્ટાફે એક એ આ એક જે એમની ભાવના હતી પોતાના પિતા માટેની, કે એને પિતાને જોઈને એને ડોક્ટર બનવું છે, અમારા સ્ટાફે પણ અમારા રેવન્યુના તંત્રે તમામે પોતાના એક દિવસનો સેલેરી કલેક્ટરથી લઈને ક્લાર્ક સુધી અમે બધાએ આપ્યો, અને એમને અમે 4 લાખની હાલ સહાય કરી છે, અને અમે એમને ખાતરી આપી છે કે બહેને ડોક્ટર બનવાનું જ છે, અને એની વચ્ચે જેટલું પણ જ્યાં પણ અમારી જરૂર પડશે અમે બધા સાથે ઊભા રહીશું, અને અમને ખૂબ એક આનંદ છે કે અમારા બધાના એક દિવસના સેલેરીથી સમાજમાં એક મોટું કામ થઈ રહ્યું છે। થેન્ક યુ।